हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचे मानवेंद्र, हुआ भव्य स्वागत। विदेश रक्षा एवं वित्त मंत्री रह चुके जसवंत सिंह जसोल के पुत्र एवं शिव विधायक मानवेंद्र सिंह जसोल ने हालिया ही कुछ दिनों पूर्व बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद से ही बाड़मेर जिले से मारवाड़ की राजनीति में एक बड़ी हलचल सी मच गई है। गौरतलब है कि 22 सितंबर को पचपदरा के स्वामीमान रैली कर समर्थकों की बड़ी भीड़ के साथ उन्होंने कमल का फूल मेरी भूल की बात कही थी, जिसके बाद कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस ज्वाइन किया। वहीं प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस में सदस्यता लेने की घोषणा भी की। कांग्रेस में जुड़ने के बाद वे रविवार को पहली बार बाड़मेर पहुंचे, जहां जोधपुर की सरहद से सटे डोली गांव से उनका स्वागत सम्मान शुरू हुआ, जो बाड़मेर शहर स्थित कांग्रेस के कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुआ। डोली गांव से बाड़मेर तक करीब 2 दर्जन गांवों सहित पचपदरा, बालोतरा, आसोतरा धाम, जसोल माता, बाईटू, उत्तर लाइन पर सिंह का स्वागत हजारों लोगों ने मालाएं एवं साफा पहनाकर किया। वहीं उन्हें कांग्रेस में जुड़ने की बधाइयां भी दी। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी चित्रा सिंह जासोल भी उपस्थित रही। वहीं कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं से कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह खान, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, पूर्व मंत्री गोपाराम सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।